रोल के बारे में बताइए, आपको कैसे अप्रोच करा गया, कैसे मिला आपको ये रोल इस फिल्म में? अप्रोच लाइक फैजल के साथ मैंने पहली फिल्म भी की थी उनकी, जो इंग्लिश फिल्म थी पिकनिक, उसमें मैंने लीड रोल किया था गी प्रोस्टिट्यूट का। दूसरी फिल्म तो उनके साथ करनी थी। इस फिल्म के बारे में हमें बताइए, जिज्ञासा क्या? ये तो बहुत बड़ी जिज्ञासा है जिसका टाइटल रोल रिशिता भट्ट कर रही हैं, और काफ़ी गुदगुदाएगी ये फिल्म और दिमाग को हिला के रखेगी। आप अपने रोल को सर डिटेल में समझाइए इस फिल्म में। आई एम अ फैशन फोटोग्राफर कम अ कोऑर्डिनेटर इन फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये कैसा है रोल ये आप किसी से बता कैसे? इसमें इस फिल्म में कुछ नए एक्टर्स हैं, कुछ पुराने एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं, तो किस तरह का सेट्स पे माहौल रहता था? काफ़ी कूल, बहुत हंसी खुशी वाला माहौल रहता था। बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर लीड करता है सेट को, और फैजल काफ़ी खुश रखता था पूरी यूनिट को, और चुटकुले हंसी मजाक इसी में कब शूट ख़त्म हो गई ये भी पता नहीं चला कभी। अच्छा, आपको रिशिता भट्ट जो कि इतना बड़ा नाम है, तो उनके साथ कैसे काम करके कैसा लगा? इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं रिशिता भट्ट। वेरी कूल, शी इज़ सो कोऑपरेटिव एज वेल एज वंडरफुल एक्ट्रेस। इसमें इनके जो शेड हैं रिशिता भट्ट के, बहुत ही बखूबी इसने काम भी किया। लाइक जब चुलबुली है, जब कॉलेज की लड़की है तो वैसी चुलबुली, और जब एक एरोगेंट जैसा चाहिए होता है एक एक्टर की तरफ से, बहुत खूबसूरत काम किया इसने। फैसल जी के बारे में कुछ आप बताइए, क्या आप? शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि ही इज़ अ डायरेक्टर और मैं इसलिए बोल रहा हूँ। फैजल की सबसे बड़ी खासियत है कि उसे एडिटिंग का ज़बरदस्त नॉलेज है और कैमरे का ख़ास नॉलेज है। उसे मालूम है कि कौन सा शॉट कहाँ से मुझे कहाँ तक चाहिए। बस इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि आज ऑडियो लॉन्च है, म्यूज़िक रिलीज़ है, तो म्यूज़िक आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा म्यूज़िक, राम शंकर जी, शंकर शर्मा उनके साथ के बेटे। फिल्म में ये जो गाना अभी आप सुन रहे हैं कव्वाली जो है, बहुत खूबसूरती से इसको टेक्नो रैप रेगे के साथ मिक्स कर खूबसूरत कव्वाली बनाई गई। ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग एंड वेरी वंडरफुल वन मेलोडी सॉन्ग, और एक बहुत ही खूबसूरत लोरी भी जो है इसमें। अच्छा, आपका फेवरेट गाना इस फिल्म में कौन सा? एक तो ये कव्वाली है जो है, दूसरा वो दोनों जो एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक मेलोडी सॉन्ग है, दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं। एक साफ सुथरे शब्दों में जो सब लोगों को समझ में आए, खूबसूरत म्यूज़िक है उसका जो अच्छा लगेगा, मतलब हेवी नहीं लगेगा दिमाग को। इसके बाद अजय, हम आपको किस तरह की फिल्मों में देखेंगे? कुछ साइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स आपने, क्या चल रहा है? मुझे आप ऐसी फिल्मों में देखेंगे कि डायरेक्टर अगर कंफ्यूज हो कि यार ये इस तरह का रोल है, बहुत ही चैलेंजिंग। ऐसे नहीं कि मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत ही अच्छा काम कर सकता हूँ, बट मुझे ये काम पसंद आता है कि जो चैलेंजिंग हो, जो एक आम सा काम ना हो, कुछ अलग सा हो। जैसे इस फिल्म में ही है कि आई एम ए फैशन फोटोग्राफर एंड थोड़ा कॉमिक टच है इसके अंदर, लेकिन एक ग्रे शेड भी है क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और कुछ और भी मैं भूमिकाएं निभाता हूँ इस फिल्म के अंदर में। और थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।